So, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे दोस्त नहीं थे जितना भी मैं याद करती हूँ तो मेरा एक कद्दा दोस्त रहता होगा पर मैं ऐसे नहीं था कि बहुत ही बंच ऑफ पीपल मेरे दोस्त थे आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न हो गया है कि आप सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं जिनके बहुत सारे दोस्त हैं एंड आप फिर बैड फील करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं मैं पीछे रह गया एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे जहाँ पे लोग रो रहे हैं कि उनके पास फ्रेंड नहीं है ना वो फील करते हैं या उनको लगता है कि वो हमेशा से लूज़र थे उनका कभी कोई दोस्त नहीं था वो स्कूल में किसी से बात भी नहीं कर पाते थे उनके दोस्त तभी बनते थे जब टीचर उनको बोलती थी कि जाओ इस बंदे के साथ समय स्पेंड करो उसी समय पर वो दोस्त बनाते थे एंड आज जब उनकी जिंदगी नॉर्मल है लाइक like, आउट है एंड से uh, कि कोई भी नहीं है टीचर या पेरेंट्स जैसा जो आपको किसी को आपके पास भेजे कि जा उसका दोस्त बन सो उनका दोस्त कभी नहीं बनता है सो so, मेरे साथ ऐसा नहीं था मुझे कोई सोशल एंग्जाइटी नहीं है येस yes, मेरे हमेशा है इधर दोस्त होते थे पर मैं पर यह है कि बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स मेरा कभी भी नहीं था सो so, अगर मैं याद करने के लिए आऊँ तो मुझे ऐसा कोई भी नहीं याद आएगा कि वो वो मेरा फ्रेंड थे वो मेरे फ्रेंड थे येस yes, मैं हमेशा मजा करती थी जिस भी सिचुएशन में मैं हूँ मैं उसको अडेप्ट करती हूँ उसका एंजॉय करती हूँ एंड जब जहाँ पे मुझे सोशल होने की ज़रूरत होती है मैं होती हूँ मेजॉरिटी ऑफ समय मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है सो so, इस वीडियो को मैं इसलिए बना रही हूँ कि आपको पता चले कि अगर आप दोस्तों को मिस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप लूज़र हैं या फिर आपको लगता है कि आपको दोस्तों की ज़रूरत है और आपके दोस्त बन नहीं पा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप अकेले नहीं हैं आपके साथ बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास अच्छे दोस्त नहीं होते हैं सो मेजॉरिटी ऑफ मेरे दिन का समय मेरे हफ्ते का समय महीने का समय मैं अकेले स्पेंड करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे खुद के साथ समय स्पेंड करना मुझे ऐसी जरूरत फील नहीं होती कि मेरे पास दोस्त होने चाहिए मुझे ऐसे बिल्कुल फील नहीं होता कि वीकेंड पे मुझे बाहर जाना है मुझे दोस्त चाहिए मुझे पार्टी चाहिए मुझे शोर चाहिए मुझे ऐसा कभी बिल्कुल नहीं फील होता है एंड दोस्तों का जो प्रोसेस है या दोस्ती का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल है एकदम से आप झटके से ऐसे फ्रेंड नहीं बना सकते हैं ये धीरे धीरे होता है एंड हो जाता है आप यस आपको एफर्ट भी करने पड़ते हैं आपको दोस्ती में कुछ डालना भी पड़ेगा पर यह भी नहीं है कि आप बाहर जाके एक्सपेक्टेशन रखें कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं तो ऐसे नहीं होता है हमारी जिंदगी में यह है कि आपकी जो चॉइसेस हैं जो पसंद है या फिर जो आप के साइकिल चलते हैं जिंदगी के वो चेंज होते रहते हैं जैसा फिलहाल आपका साइकिल है उसके हिसाब से आपकी जिंदगी में दोस्त आएंगे उन्ना टाइम रहेंगे एंड फिर आप उस सर्कल को आउट कर देते हो एंड फिर वो लोग चले जाते हैं या फिर आप को अपनी मन टैलिटी उनके साथ मैच होती नहीं दिखती तो आप उनसे दूर हो जाते हैं सो so, दोस्त आते रहते जाते रहते ऐसा नहीं है कि जिसके साथ आप एक बार बेस्ट फ्रेंड बनेंगे तो एंड तक वही रहेगा ऐसे भी हो सकता है पर चीजें चेंज हो जाती हैं चीज़ें हमेशा सेम नहीं रहती हैं सो so, अगर तो आपको ये चेंज अच्छा लग रहा है कि अब आपको अकेले रहना अच्छा लगता है या आपके दोस्त नहीं आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो इस चीज़ को एंड अंदर से आपको इस चीज़ में मजा आ रहा है तो बहुत अच्छा है अगर आप अंदर से यही बैड फील करते रहते हैं कि मेरे दोस्त नहीं है मैं फ़न नहीं कर पा रहा तो यू हैव टू वर्क ऑन इट आउट देर जाएँ ऐसी कम्यूनिटीज़ ज्वाइन करें या फिर जो भी आपकी कम्यूनिटी में चल रहा है वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपको एफर्ट करने पड़ेंगे दोस्त बनाने के लिए अगर अगर आप इसके बिना नहीं रह पा रहे हैं तो आपको आउट देर अपने आप को रखना पड़ेगा कि मैं दोस्ती के लिए अवेलेबल हूँ एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ फ़नी लगेगा आपको मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ एंड um, मुझसे बहुत मुश्किल है किसी से पहली गाल करना मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बातें करते हैं प्रिटेंड ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा बातें करती हूँ एंड वो चुप रहते हैं पर रियल लाइफ में मैं कैमरे के साथ जितनी भी बातें कर सकती हूँ पर रियल लाइफ में मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है जब मैं बातें करूंगी एंड प्रिटेंड करूंगी कि वो प्रिटेंड होता है कि मैं बहुत ज्यादा बातें करके ऐसे करती हूँ कि मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ पर डीप इनसाइड मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता बहुत बार ऐसे होता है कि हम वॉक कर रहे हैं तो मुझे लगेगा कि इनके साथ मुझे अब इंट्रैक्ट करना पड़ेगा कोई जान पहचान का आ रहा है तो मैं रास्ता चेंज कर लेती हूँ मुड़ जाती हूँ पर जब हस्बैंड होते हैं वो मुझे मुड़ने नहीं देते हैं एंड फिर वो बातें करना शुरू कर देते हैं वो ऐसे हैं कि वो किसी पार्क में किसी अन नॉन जगह पर जाके बातें करना शुरू कर देंगे एंड फिर मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे ये मेरी वाइफ है ये मेरा बच्चा है ऐसे बहुत आर्कवर्ड सिचुएशन करते हैं वो एंड यस uh, yes. ऐसा नहीं है कि मुझे वो चीज़ें उनकी पसंद नहीं है उनको बहुत अच्छा लगता है आई रिस्पेक्ट एंड जो भी उनको करना अच्छा लगे ही कैन डू इट पर वो मुझ पर भी फ़ोर्स करते हैं पर नाउ उनको थोड़ा रियलाइज़ हो गया है कि एनर्जी बहुत वेस्ट होती है मेरी जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना उनके पास तो कुछ लिमिटेड एनर्जी का कोटा होता है आ, ऐसे अगर हम पार्टी में भी जाते हैं ना तो पहले हम बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे चिल करेंगे डांस करेंगे पर अचानक से ऐसा टाइम आता है जब मेरा किसी के साथ बात करने के लिए भी मन नहीं करता मुझे लगता है कि अभी मुझे इस पार्टी से चले जाना चाहिए सो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम अगर किसी इवेंट में जाए भी, भी तो बहुत जल्दी हम निकल जाते हैं वहाँ से सो so एनर्जी का भी एक चक्कर है एंड अब रिसेंटली मैंने मेरे हस्बैंड को बोलते हुए सुना क्योंकि वो स्पिरिचुअल पाथ पे थोड़ा सा चल रहे हैं तो उनको पता चला कि जब वो किसी से बात करे थे उनकी एनर्जी भी लूज़ होती है सो so वो अब वो भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि जब हम बाहर जाके बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देते हैं ना पार्क में या किसी लोगों के साथ तो एनर्जी थोड़ी गड़बड़ आ जाती है अभी मैम मुझे बहुत मज़ा आया कि फाइनली तुम फील कर पा रहे हो जो मैं फ़ील करती हूँ कि इनकी एनर्जी नहीं है मेरे पास कि मैं यू नो फालतू की कन्वर्सेशन करूँ पर अगर आप कर सकते हैं तो रियली गुड वेरी हैप्पी फॉर यू सो आपको अपना आप बाहर प्रेजेंट करना पड़ेगा कि मैं रेडी हूँ आ जाओ मेरे दोस्त बन जाओ सो so, बात कुछ और बताना चाह रही थी और कहाँ पे आ गई मैं सो so, बात यह है कि हमारी कम्युनिटी में एक कम्युनिटी का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे. सो so, वहाँ पे एक गर्ल ने मैसेज डाला कि मैं बहुत ज़्यादा लोनली हूँ एंड मुझे दोस्त चाहिए एंड मेरे पास नया बेबी है एंड uh, कोई लाइक like, मुझे लाइक like, मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ मुझे फ्रेंड मुझे अभी एग्जैक्ट मैसेज नहीं याद है तो uh, किसी ने रिप्लाई नहीं किया वैसे तो मैं वो ग्रुप बहुत रेयरली चेक करती हूँ पर उस दिन मैंने चेक किया तो मैंने शाम को भी देखा उस लड़की को किसी ने रिप्लाई नहीं किया था मुझे इतना बुरा फ़ील हुआ कि यार पता नहीं उसको कितनी फ्रेंड्स की ज़रूरत होगी कि उसने ग्रुप पर डाला है कि मुझे फ़्रेंड्स की ज़रूरत है सो so, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि यार मैं क्या करूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं कैसे करूँ मैं लाइक like, अपने आप को मैं क्या करूँ मैं उसे अच्छा फील कराना चाहती हूँ एंड उसे बताना चाहती हूँ कि तुम तुम्हारे लिए कोई है डोंट वरी डोंट वरी पर बिकॉज इंट्रोवर्ट टू मैं मैं दोस्ती भी नहीं बनाना चाहती हूँ पर फिर भी मैंने दिल को ना स्ट्रॉन्ग करके मैसेज कर दिया कि ओके आई एम अवेलेबल तुम्हें दोस्ती चाहिए तो आई एल बी देर फॉर यू ज बहुत मैं बहुत फ्रेंडली हूँ पर उसको अच्छा फील कराने के लिए मुझे ये करना पड़ा तो फिर उसका मैसेज आया कि किसी दिन चाय पे मिलेंगे ये वो एंड फिर मैंने उसे मैसेज किया कि तुम कहाँ पर रहते हो तो मुझे पता चला कि वो मेरी बिल्कुल गली के सामने वाली गली में रहती है एंड फिर मैंने उसे कहा कि तुम्हारे घर का नंबर क्या है एंड उसके बाद उसने मुझे मैसेज नहीं किया मुझे लगा कि उससे ऐसा लगा है कि मैंने उसके घर का नंबर पूछ लिया तो शायद मैं उसे स्टॉक करूँगी या वो मुझसे डर गई या आई डोंट नो या फिर उसको दोस्त मिल गए तो उसने उसके बाद मुझे रिप्लाई नहीं किया मैंने एक दो बार फिर से किया जैसे न्यू ईयर कर दिया मैंने पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया पर यार मुझे लगता है कि वो ठीक है एंड uh, कई बार ऐसे काम भी कर देती हूँ मैं सो so, यस yes, अगर आपको लगता है कि आपको दोस्तों की ज़रूरत है अपने किसी कम्यूनिटी वाले पेज पर ग्रुप में बताएँ कि मुझे दोस्त चाहिए मेरे वर्ग का बंदा जो नहीं जिसको नहीं भी चाहिए होते वो भी आ जाता है आपकी मदद करने के लिए समटाइम्स तो so, मुझे ऐसी क्रेविंग नहीं होती है कि मुझे दोस्तों की ज़रूरत है पर जिंदगी के अलग अलग समय में मुझे दोस्त मिलते रहे बहुत अच्छे एंड उनको मैंने बहुत अपने दिल से प्यार किया कोर ऑफ माय हार्ट एंड फिर मैं बहुत ज़्यादा लव करती हूँ बहुत अटैच हो जाती हूं एंड जब उनसे अलग होने का समय आया बहुत रोई बहुत दुखी हुई मैं एंड बट uh, ये है कि कुछ रो के कुछ घंटे रो के लव तो उनके साथ मुझे रहेगा जिंदगी भर पर मैं ये भी एक्साइटेड होती हूँ कि नई जगह पे जाके नई बिगिनिंग्स होंगी तो कैसा होगा सो so, ये इसके लिए मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ हमेशा अटैच भी हो जाती हूँ पर कुछ ना कुछ मेरे अंदर है जो मुझे डी में भी हेल्प कर देता है पर मैंने देखा है कि कई दोस्त मेरे ऐसे थे जब मैं उनको छोड़ के आई मैं लाइक like, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती हूँ मैं इतना रोती हूँ फिर थोड़ी देर बाद चीजें मैनेज हो जाती काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती हूँ मैं जिसके साथ भी सो so, दोस्ती मेरी ब्रेक करवाना उनके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको अपने से ये भी क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपके दोस्त क्यों नहीं है um, क्योंकि जब दोस्ती होती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट मांगती है वो आपका समय बहुत सारा आपको समय देना पड़ता है इंगेजमेंट्स होती हैं उनके साथ लाइक कई आपको इवेंट प्लान करने पड़ते हैं तो क्या आप उस चीज से घबराते हैं कि वो आप नहीं कर पाते या आप अच्छा नहीं कर पाते या फिर आप जिंदगी में कुछ ऐसे गोल्स हैं जिस पे आप काम करना चाहते हैं एंड जब आप दोस्ती में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर आपके गोल्स पीछे रह जाएंगे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है जैसे आपकी कोई पढ़ाई का गोल है आप उस पर समय स्पेंड करेंगे या फिर दोस्तों पे इसके चक्कर में भी हमारी कई बार दोस्ती नहीं हो पाती है सो तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि आपके दोस्त क्यों नहीं बन पाते हैं एंड दोस्ती में जो चीजों की जरूरत होती है क्या आपके पास वो है और कई बार ये भी होता है कि जब दोस्ती आती है ना तो अपने साथ ड्रामा भी लेके आती है जितने आपके दोस्त होंगे उतना ही ड्रामा होगा क्योंकि दोस्तों के साथ जो लोग भी कनेक्टेड हैं उनके दोस्त उनके रिश्तेदार उनके इन लॉज वो सारी स्टोरीज आपको बताएंगे फिर आपकी जिंदगी में भी ड्रामा क्रिएट होता है एंड मे भी आपको वो ड्रामा नहीं चाहिए एंड क्योंकि आपकी जिंदगी में खुद से बहुत ड्रामा है जिसको आपको डील करना है या फिर आप अपनी चीजों के साथ डील करें या उनके साथ करें क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा ड्रेनिंग है आपकी एनर्जी के लिए अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो फिर तो आपको ये ड्रामा बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि आपकी एनर्जी का लेवल बिल्कुल डिफरेंट होगा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो या स्टार्ट करने वाले हो क्योंकि ये भी एक साइन है कि आप ये ज़्यादा दोस्त नहीं बनते हैं या बन नहीं पाते या फिर आपको यू नो गॉड आपके पास वो चीज़ें भेजता ही नहीं है कि आपके दोस्त होंगे नहीं कम दोस्त होंगे कम डिस्ट्रैक्शन होगी आ, कई बार नहीं दोस्त होना भी बहुत अच्छा होता है आपके लिए क्योंकि नेगेटिव दोस्त होने से अच्छा है कि दोस्त ना हो और बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं एंड अगर आपके पास गोल्स हैं उसका मजाक उड़ाते हैं एंड आपको लेट डाउन करते हैं आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी देते हैं यस आप हर वीकेंड

अब डिफरेंट तरीके से सोचते हैं अब जिस तरीके से आप पैदा हुए थे अभी आप वैसे इंसान नहीं होंगे क्योंकि जैसे भी आपके जीवन के स्टेजेस चेंज होती हैं तो आपकी सोच भी बदलती है कुछ बह, बहुत बहुत ज्यादा कम लोग होते हैं जो जिनकी सोच कभी चेंज नहीं होती आपको एक्चुअली चेंज की जरूरत है आपको वाइजर होना चाहिए आपको यू नो वाइड इमेज देखनी चाहिए चीजों की और कई लोग वो पुरानी दोस्ती में फंसे रहते हैं और फिर वो ग्रो नहीं कर पाते हैं सो चीजों को ग्रो करने के लिए चेंज की भी जरूरत है अगर आपका जो सर्कल वो आपके साथ चेंज हो रहा है तो ठीक है अगर नहीं आपका माइंड सेट उनके साथ मैच हो रहा है, तो लेट और जैसे मैंने आपको बताया कि करंट आपका सीजन क्या चल रहा है जिंदगी का अगर आपका सीजन चल रहा है गोल ओरिएंटेड आप एंड आप किस, को, किसी गोल पे काम कर रहे हैं एंड आपके फ्रेंड्स आपको बूस्ट कर दें तो आपको बहुत मजा आएगा या फिर अगर आप का स्पिरिचुअल सीजन चल रहा है तो आप उन्हीं लोगों से अलाइन कर पाएंगे जो स्पिरिचुअल बातें करते हैं तो फिर आपके पास बातें करने के लिए बहुत मटीरियल होता है आप बहुत कनेक्ट कर पाते हैं अलग लेवल से ये कि आप स्पिरिचुअल हैं एंड दूसरा बंदा से बहुत दूर है तो आपकी कॉन्फ्लिक्ट होगी फिर आप बहस होगी या फिर आप बात ही करने के लिए मटेरियल नहीं होगा या फिर वो रिलेट नहीं कर पाएंगे कि आप क्या सोच रहे वो क्या सोच सोच रहे रहे हैं हैं so वो सो ये भी एक रीज़न हो सकता है दोस्त नहीं होने का दोस्ती ना एक किस्म की भी है आप हर हफ्ते प्लान बनाना पड़ता है या हर महीने या कुछ ना कुछ इवेंट्स आते रहते हैं किसी का बर्थडे आ गया किसी की एंगेजमेंट आ गया कुछ ना कुछ होता रहता है एंड कई बार आपको घंटों फोन पे बात करनी पड़ती है और आपकी चीजें बहुत ज्यादा पीछे रह जाती हैं एक किस्म की ऑब्लिगेशन है दोस्ती इन आसानी एंड आप कौन को एंटरटेन भी करना पड़ता है एंड uh, मेरे चक्कर में क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक हेल्दी इंसान नहीं हूँ येस yes, जब मेरे घर में कोई आता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ एंटरटेन करने की अच्छा फूड बनाने की उनके साथ बातें करने की उनको फुल ऑन एंटरटेनमेंट का पैकेज देने की पर भी मेरी हेल्थ भी अलाउ नहीं करती कि मैं इतनी एंगेजमेंट्स में जा पाऊँ या एंड मेरा माइंड भी ऐसा नहीं है पर अगर ऐसा कुछ हो कि मुझे एक हफ्ता बहुत ज़्यादा बिजी हो मुझे कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है फिर अगले पंद्रह बीस दिन में ना काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती हूँ मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है जोड़ों में दर्द होना शुरू जाता है और फिर मेरी फैमिली भी सफर करती है मेरे फन के चक्कर में दोस्ती भी एक किस्म की ऑब्लिकेशन है आपको निभानी पड़ती है फिर सो so, पूरा फुल ऑन आपको उसमें जंप करना पड़ेगा दोस्ती के खूह में आपको पता है मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ एंड एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या yes, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जब आपके दोस्त आने होते हैं ना आपकी जिंदगी में तो वो कहीं से भी अपेयर हो जाते हैं एंड आपका बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है फ्रॉम नोवेयर एंड आपको उसके लिए यू you नो know, कुछ एफर्ट भी नहीं करना पड़ता वो दोस्ती ना एफर्टलेस होती है एंड हो जाती है अगर आपकी ज़िंदगी में प्यारी दोस्ती आप लिखवा के नहीं आए राहब से तो शायद आपको नहीं मिलेंगी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ सरफेस लेवल की हैं लाइक ऊपर ऊपर से दोस्ती है कि आपसे मुझे फ़ायदा क्या होगा क्या करूँ मैं कि आपसे मैं ये चीज़ ले पाऊँ आप मेरी जिंदगी में क्या ऐड कर पा रहे हैं यू नो अनकंडीशनल प्यार वाली दोस्तियाँ नहीं है बस दोस्ती के लिए दोस्ती है तो so, जो कि जो कि मेरे लिए एक बिग टर्न ऑफ है मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं टर्न ऑफ कर देते हैं एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा पैसे की बातें करते हैं लाइक like, पैसे को फ्लैक्स करते हैं या पैसा कैसे कमाना है ऑल द टाइम पैसा 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 करते हैं ना जो लोग मैं नहीं ही लगते हैं या फिर वो अपनी चीज़ों को शो ऑफ करने वाले लोग जो बताते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा सामान है बहुत बड़े घर हैं फलाना बैग है अन्न ऐसे ऐसे दिखाते रहेंगे वो मैं नहीं व्या लगता ऐसे फ्रेंड्स मैं अपने घर में लाइक नेगेटिव लगता है कि आप पास ये चीजें हम आप बहुत खुश हैं आपके लिए पर आपको क्या लगता है कि आपकी ये चीजें देख के हमें आर सो अमेजिंग ऐसा फील होगा कि लाइक ऐसा किसको फील होता है किसी को नहीं होता लाइक अगर आपके पास कुछ है बहुत अच्छा है दोस्ती में आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कि ऐसी सिचुएशन में आपका दोस्त आपके साथ खड़ा होगा जब वो नहीं होता है तो फिर आप दुखी होते हैं सो so, एक्सपेक्टेशन जब दोस्ती में आ जाती हैं तो वो भी आपको तकलीफ देती हैं तो अगर आपके पास दोस्त हैं तो एक्सपेक्ट मत करें अनकंडीशनल करें जो भी करना है उसके में इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि मुझे इस बंदे से क्या मिलेगा तो मैं ये दोस्ती का प्यार रिटर्न में करूंगा जितना आप कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं कि हमारे दोस्त नहीं नहीं हमारे दोस्त हम, हमारा मजाक उड़ाते हैं या फिर बहुत ज्यादा ग्रुप में मेरी बेइज्जती कर देते हैं बॉडी शेमिंग करते हैं एंड हम लोग हमारी दोस्ती में हंड्रेड एंड टेन परसेंट डाल रहे हैं वो सिर्फ पाँच परसेंट डालते हैं बहुत बार आपको इग्नोर कर देते हैं वो पार्टी में इनवाइट नहीं करते हैं तो आप ऐसे ग्रुप में क्यों हो वो दोस्त आपको नई दोस्त बनाना चाहते वो एंड ऐसे लोगों को आपको क्विट कर देना चाहिए थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए अगर आपको साइन दे रहा है कोई कि आपकी ज़रूरत नहीं है उनको तो लेट दम गो तो सबसे ज्यादा वाइजर यही होगा कि जो लोगों के साथ आपके मॉरल्स आपकी वैल्यूज मैच नहीं करते उनको अपनी दोस्ती के सर्कल में मत रखें सो so, जैसे जैसे आप अपने कॉन्शियसनेस की लेडर पे चढ़ते जाएंगे आपकी जो वैल्यूज हैं मॉरल्स हैं वो ज़्यादा इवॉल्व होते जाएंगे और आप और ज़्यादा अच्छा सोचना शुरू कर देंगे सो so, जब तक आपके मॉरल्स एंड आपकी वैल्यूज दूसरे बंदे से मैच होनी बंद हो चुकी हैं तो आपको ऐसे बंदे के साथ अपना समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है सो so, इसके चलते हम उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं जिनकी कोर एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ मैच होती है सो so, इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके दोस्त क्यों नहीं बन पा रहे हैं इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी वैल्यूज़ मॉरल्स एंड आपकी एनर्जी उस एनर्जी से डिफरेंट है मुझे अपने साथ समय स्पेंड करना अच्छा लगता है अपने थॉट्स के साथ डे ड्रीमिंग करना खुली आंखों से सपने देखना उसका रीजन ये है कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ बहुत सारे लोग जो अपने साथ समय स्पेंड नहीं करते और उनको बाहर का शोर चाहिए उनके अंदर की आवाज़ को शांत करने के लिए वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है और उनको क्या चाहिए सो so, अकेले रहने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप को कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और आपको लोग इन्फ्लुएंस नहीं करते क्योंकि जितने हमारे पास लोग होते हैं उनके थॉट्स के साथ और उनके एक्शंस के साथ हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उनकी ओपिनियन ही समटाइम हमारी ओपिनियन बन जाती है जैसे कहते हैं कि आपका क्लोज सर्कल से आपका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले पांच सालों में आप कैसे होंगे सो so, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपको इसका पता चल रहा है या नहीं पर ये एक्चुअल में काम करता है सो so, अपना जो सर्कल है उसे वाइजली चूज करें अगर नहीं है तो वेट करें राइट समय की राइट लोगों की आपको जरूर से मिलेंगे लोग आपके जैसे अपने आप को ओपन रखें इसके लिए सो so, इस चीज को लेके पैनिक मत हो कि मुझे दोस्त चाहिए मुझे दोस्त क्यों नहीं मिल रहे हैं। आपको वो लोग जरूर से मिलेंगे जो मैं होंगे आपकी जिंदगी के लिए तो डोंट वरी इस समय को इंजॉय करें एंड इस समय को यूज करें अपने आप को और वाइजर बनाने के लिए अपने आप को इंप्रूव करने के लिए अपने बारे में ज्यादा जानने के लिए एंड अपने ऊपर थोड़ा काम करने के लिए ऊपर इनर वर्क करने के लिए और शेडो वर्क करने के लिए और अपने को और सेल्फ को जानने के लिए कि हु आर यू आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट मार में अपने विचार जरूर से बताना कि दोस्ती के बारे में आपके क्या विचार हैं आप की जिंदगी में अच्छे दोस्त हैं क्या आपके दोस्तों ने आपको चीट किया है या फिर आप वो लोग हैं जिनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं ग्रुप में प्लीज मेरे साथ जरूर से शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में अपना ख्याल रखें एंड You guys are beautiful the way you are. I love you guys so very much. Bye bye.